बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र इलाके से सड़क पर फेंकी एक नवजात बच्ची के मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची को देखने के बाद यह प्रतीत हो रहा है कि जन्म के साथ ही उसे सड़क पर फेंक दिया गया। औद्योगिक थाना के सामने ही बालू के ढेर पर यह बच्ची को फेंका गया था। घटना बुधवार की रात तकरीबन 9:30 बजे की है। सूचना मिलते ही मौके पर चाइल्ड लाइन के समोने पवित्र कुमार पहुँचे तथा थाना अध्यक्ष दिनेश मालाकार के सहयोग से उसे NICU में भर्ती कराया गया। इस संदर्भ में जानकारी के बाद बच्ची का इलाज सदर अस्पताल के शिशु गहन चिकित्सा केंद्र में किया जा रहा है, जहां से स्वास्थ्य में सुधार होने की बात की जा रही है। उसके बाद उसे कैमूर अथवा भोजपुर दत्तक ग्रहण संस्थान में भेज दिया जाएगा। राज रंजन के साथ गुड्डू आज़ाद की रिपोर्ट, CNB न्यूज बक्सर। जी हाँ जी हाँ जी, कैसा है उसकी स्थिति? ठीक है, और बच्चा बाहरी दूध पर अपनी जीवन अच्छी तरह निर्वहन कर रहा है और उसके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं और उनका कोविड टेस्ट भी कराया गया है जो निगेटिव पाया गया है। ये आज की प्रगति है। जी पार्डन, मैं डॉक्टर राम कुमार गुप्ता, वर्तमान में डिप्टी सुपरिटेंडेंट सदर हॉस्पिटल बक्सर। ये बच्ची 29 तारीख को रात में 8:30 बजे करीब हम लोग को फ़ोन आया कि एक बच्ची औद्योगिक थाना से फ़ोन आया कि एक बच्ची आई मंजी हुई है और जो नवजात है। तो हम लोग गए तो देखे कि बच्ची पूरे बालू से लथपथ थी। तो हमने पूछा कि भाई बच्ची कहाँ फेंकी हुई थी? तो उन्होंने बोला कि औद्योगिक थाना से जस्ट थोड़ा सा पहले एक गैरेज है, उसके पास में बालू लो रखा हुआ था, तो उसी के पास बच्ची को उसी पर सुलाया हुआ था। तो उसी की वजह से बच्ची के सहित पूरे बालू लगी हुई थी और थाना प्रभारी के सहयोग से बच्ची को रात में ही 9:30 बजे करीब हॉस्पिटल केसेंस में एडमिट कराया गया, जो कि बच्ची अभी बिल्कुल स्वस्थ है और उसका कोरोना जाँच भी हुआ है, जो कि कोरोना जाँच में बच्ची निगेटिव पाई गई है और बच्चे अभी पूरी तरह से दूध पी रही है और बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसे बच्चियों को कहाँ रखा जाता है? ऐसे बच्चियों के या CWC के आदेश पर या तो कैमूर या नहीं तो भोजपुर आरा में है दत्तक ग्रहण, वहाँ चली जाएगी बच्चिया। ये बक्सर में क्या नहीं, बक्सर में अभी तक तो ऐसा कुछ बना नहीं है। इसके चर्चा हम लोग बहुत बार कर भी चुके हैं कि यहाँ एक विशिष्ट दत्तक ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि आए दिन बच्चियों का केस आते रहता है, तो इसमें थोड़ी परेशानी होती है हम लोगों को कि बच्चियाँ यहाँ से बाहर भेजना है। अगर यहाँ रहता तो कोई इस तरह की परेशानी ना हो। लॉकडाउन का दूसरा केस है? ये लॉकडाउन में दूसरा केस है, 1 अप्रैल में आया था, तो बच्चा कैमूर गया था और ये भी एक आया है और इसको देखते हैं CWC जहाँ आदेश करेगी वहाँ बच्चा जाएगा। जी मेरा नाम पवित्र कुमार, चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर बक्सर।